नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक में आज के जो डाउन ट्रेंड है वो 6% के हैं। आपको याद होगा कि हमने क्या कहा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने 135-140 पे बेचे वो रिग्रेट कर रहे थे कि अरे भैया ये फिर से स्टॉक 155 चला गया। मैं बोला यही लोग तब खुश होंगे जब ये स्टॉक 110 पे दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड वीक है और इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि पीई कॉन्ट्रैक्शन होते दिखेगा और स्टॉक लोअर साइड में थोड़ा बहुत ट्रेड होते दिख सकता है। आज की गिरावट के कारण को समझने से पहले हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहां सभी अपडेट, सभी स्टॉक के अपडेट आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। यहाँ देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर डिक्लाइन 6% एज 1 मंथ लॉक इन पीरियड जो है वो आज इंड हो गया और लगभग लगभग एज मेनी एज 12.6 करोड़ शेयर और 2% ऑफ कंपनी आउटस्टैंडिंग इक्विटी विल बी एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग, ऐसा नुवामा का कहना है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर प्राइस ड्रॉप ओवर 6% ऑन अक्टूबर 14 एज इट्स 1 मंथ लॉक इन पीरियड जो है एंकर इन्वेस्टर के लिए वो हट चुका है, विच इज इन नंबर इज अराउंड 12.6 करोड़ शेयर। जो टोटल जो आउटस्टैंडिंग कंपनी की फ्री फ्लोट शेयर है उसका टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर का 2%, जिसके कारण आज थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि सेलिंग आई होगी, जिसके कारण इस प्रकार से ट्रेंड दिखे, जबकि बाजार कंसोलिडेट पॉजिटिव में ही दिख रहा था। एज रिसेंट की जो डिलीवरी है वो तो बेटर दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेंड इज स्टिल लुकिंग वेरी वीक। वॉल्यूम आज का 4.6 करोड़ और टेक्निकल ट्रेंड जो है काफी वीक, और ये जो लिस्टिंग वाले प्राइस थे उसके ब्रेकडाउन हुए। और मैंने क्या कहा, मैंने सिंपली कहा आपसे कि जब भी ब्रेकआउट होगा ये अब इसका रेजिस्टेंस बनेगा, 164 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे। ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन हुआ और नीचे के तरफ स्टॉक देखें तो 125-110 जैसे लेवल इजिली दिख सकता है।